शहर में दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई है। शहर के पांच बावली थाना क्षेत्र में एक शराबी बाप ने अपनी एक महीने की बच्ची का 1,00,000 रुपए में सौदा कर दिया। पांच बावली पुलिस की सतर्कता से अब इस बच्ची को नया जीवन दान मिला। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार गुनहे शाखा के मानवी तस्करी पथक शहर के ऐसे गिरोह के पीछे लगी जो चंद पैसों के लिए छोटे बच्चों की तस्करी करते हैं। कुछ दिन पहले ही इस टीम ने शहर के ऐसे ही एक गिरोह पर कार्रवाई करते हुए डॉक्टर के साथ चार लोगों को गिरफ्तार किया था। इसके साथ एक और गिरोह पर उनका ध्यान था। इसी गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली है। इस कार्रवाई में पुलिस ने उत्कर्ष दहीबले और उषा सहारे को गिरफ्तार किया है। मूलतः भंडारा निवासी उत्कर्ष और उनकी पत्नी ये मजदूरी के काम से नागपुर आए। एक माह पहले ही दोनों को एक लड़की हुई। बच्चों की तस्करी करने वाले गिरोह की सदस्य उषा सहारे ने उत्कर्ष की जानकारी निकालकर उसे मुलाकात की और उसे अपने बच्ची बिक्री पर 1,00,000 रुपए का लालच दिया। उत्कर्ष शराबी होने के साथ ही उसके कई लोगों से पैसे उधार भी लिए थे, इसीलिए उसने उषा को बच्ची देने के लिए राजी हो गया। उत्कर्ष के जाल में फंसती उषा ने ग्राहक की तलाश शुरू कर दी थी। उत्कर्ष ने 1,00,000 रुपए में सौदा करने के बाद 13 अप्रैल को बच्ची को उषा को देने का तय हुआ। दूसरी ओर बच्ची की माँ इस सौदे को तैयार नहीं थी। इसके बावजूद उत्कर्ष ने जबरदस्ती माँ से उसकी बच्ची छीन कर ले गया। पहली बार 70,000 देने का तय हुआ और ये सौदा भी हुआ। उषा ने इस छोटी सी बच्ची को उमरेड के एक परिवार को बेच दिया है। इस बात की जानकारी बच्ची की मां ने पांच बावली पुलिस को दी और पूरा मामला सामने आया। पुलिस ने उत्कर्ष और उषा को गिरफ्तार किया है। साथ ही सौदे में मिले 70,000 रुपए को भी जब्त किया है और पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि इस मामले में उमरेड के परिवार की क्या भूमिका है। हो बरोबर है, रानी दुर्गावती चौका मध्ये दो जोड़पे राहतात, उत्कर्ष दहीवले आणि त्याची पत्नी भूमेश्वरी दहीवले। रोजगार मिळावा या यांनी आलेले आहेत ते नागपूरमध्ये। तर थोडा दारुडा वृत्तीचा आहे जो फिर्यादी त्याची पत्नीच आहे, तर त्यांनी त्याच्या मुलीला विकलेला आहे। आणि जी मीडिएटर आहे उषा सहारे नावाची, तर ती एका अनाथाश्रमामध्ये, खाजगी अनाथाश्रम आहे ते, त्याच्यामध्ये काम करते। तर तिने समोरच्यांना ज्यांना विकले तर ते उमरेडमधलं दाम्पत्य आहेत, ते गरजू होते। तर आता आमच्या तपासामध्ये सध्या दोन आरोपी जे आहेत तर ते रिमांडवरती आहेत आणि आणखीन तपासामध्ये काही आरोपी जर समोर आले तर त्यांना अटक होईल। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसी, BCN News नागपूर।